आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। एक बहुत ही बड़ा और पहला सीजन खत्म हुआ इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार का, और हमें मिल चुके हैं हमारे पहले सुपरस्टार्स, यानी कि एक बंदा और एक बंदी, इन दोनों को जिताया गया। जैसे कि फॉर्मेट था, करीबन करीबन 20 से 22 कंटेस्टेंट आए थे। जनवरी में मुकाबला चालू हुआ था, मैंने अपडेट किया था आपको, और ये मुकाबला अब ख़त्म हुआ है ग्रैंड तरीके से। थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि करणवीर बोहरा, अदा खान, अर्जुन बिजलानी और सनाया ईरानी ने भी आज परफॉर्म किया स्टेज पर। फिनाले था आज, और जो जीते हैं अमन गंडोत्रा और नताशा भरद्वाज, आई थिंक जे में लिखना भूल गया शायद, और या तो फिर यही नाम है। तो इन दोनों को जिताया गया है, और ये अपने आप में कमाल की बात है। और आपको बता दूँ, ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस थी, नताशा भरद्वाज जिसे हमने कहा, उस बेसिस पर इन दोनों को जिताया गया, चाहे वो नताशा रही हो चाहे वो अमन गंडोत्रा रहे हो। अब इन दोनों को आप सोचोगे जीत गए तो मतलब अब क्या नया क्या, तो आपको बता दूँ अमन गंडोत्रा और नताशा को, इन दोनों को रोहित शेट्टी और करण जौहर की फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जहाँ तक बात की जाए शोज़ की, तो शो कैसा चला, तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो मैं इसे नहीं कह सकता इस फॉर्मेट को, जिस फॉर्मेट को अपनाया गया था, बट स्टिल लोगों ने ये शो देखा। और ये शो आखिरकार मेरे ख्याल से 2 महीना के करीबन करीबन चला, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और प्राइम टाइम पे था शो, और बड़े बड़े जजेस थे, होस्ट भी थे, अच्छे खासा शो चला। लेकिन हाँ, जो लेवल आई थिंक सोच रहे होंगे मेकर्स, वो उतना लेवल अप नहीं गया, बट स्टिल एक अच्छा खासा सीजन ख़त्म हुआ नताशा भरद्वाज और अमन गंडोत्रा का। और ये शो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर था कि सिर्फ आपका टैलेंट ही जवाब देगा, यानी कि अब तक टैलेंटेड अगर हो तो आप जीतोगे, और हर एक तरह से परखा गया है इन सभी को, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस, गाने, जो भी चीज़ें हो, हर इमोशन से परखा गया है। बड़े बड़े जो मास्टर्स हैं, मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, उन सभी ने इनको जज किया है, मतलब सिखाया है, बहुत सारा ट्रेन किया है। उसके बाद आई थिंक ये दो विनर बने हैं, अमन गंडोत्रा और नताशा भरद्वाज। आप कितने खुश हैं इन दोनों को जीते हुए देखकर? ये तो माफ़ कीजिए दूसरा फोटो है। ज़रूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे शो को लेकर, इन दोनों विनर हुए उनको लेकर क्या लगता है, ये दोनों डिजर्व करते थे या कोई और? इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।